धरे रह गए पुलिस के सारे इंतजाम। जी हाँ, लखनऊ पुलिस हुई फेल, उपद्रवियों ने नहीं लगा सकी लगाम, उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। राजधानी पुलिस मुखिया से लेकर कप्तान सब हुए फेल, उपद्रवियों ने दिखा दिया यूपी पुलिस को आका और राजधानी के कप्तान की मॉनिटरिंग को ठेंगा। लाखों सरकारी संपत्ति पर उपद्रवियों ने किया तांडव। राजधानी में लगातार हो रहे प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग कर रहे प्रदर्शन। खदरे में एक बार फिर से किया गया पथराव, गलियों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद। खदरे में नहीं थम रहा है पथराव, पुलिस प्रशासन के पीछे हटना पड़ा। प्रदर्शनकारी लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर कर रहे पथराव। खदरे में मंदेगंज चौकी लगाई गई आग, एक कार समेत आधे दर्जन से ज्यादा दो पहिया वाहन में लगाई गई आग। प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया पथराव, कई लोगों को किया हिरासत में। हसनगंज के इलाकों को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ लखनऊ ठाकुरगंज के संतखंडा चौकी को भी प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आग को बुझाने में जुटी। नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत हो रहे प्रदर्शन के हुसैनाबाद में चल रहे प्रदर्शन पत्रकारों को रोकने के लिए भी पुलिस ने किया पत्रकारों पर लाठीचार्ज। अमर उजाला के पत्रकार आशीष मिश्रा पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। आशीष मिश्रा पत्रकार हूँ, बोलता रहा पत्रकार हूँ, मगर पुलिस वालों ने एक ना सुनी। खिसियानी पुलिस ने लाठी डंडों से पत्रकार पर टूट पड़ी। पुलिस सर पर पुलिस प्रहार कर हेलमेट टूटा और हाथों में चोट आई। कई जगह घटना देखने को मिल रही है, पत्रकारों को कवरेज से रोका जा रहा है। पुलिस ने महोले में भी घुस कर लोगों को घरों के कमरे में तोड़े। वहीं दूसरी तरफ सदर कैंट पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। चाय पान की दुकान पर लगे जमावड़े की हटाने की आदेश के साथ दुकान को बंद करने को कहा। वर्तमान में स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में इस क्षेत्र में आ गई है। कई जगहों पर उग्र भीड़ के द्वारा धारा 144 उल्लंघन करते हुए कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। तत्काल प्रभाव से वहां पे हल्के बल प्रयोग का भी प्रयोग किया गया और तत्काल प्रभाव से भीड़ पे काबू किया गया। अरेस्टिंग भी यहां पे की गई है उन लोगों की जो पत्थरबाजी कर रहे थे अथवा जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। और वर्तमान में इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहुत जल्दी ही लौट आएगी और वर्तमान में यहाँ पर चीजें टोटल काबू में। सर, 30 मिनट से ज्यादा हो गया फायर ब्रिगेड के, अभी तक कोई कॉपी गाड़ी नहीं आई। कई गाड़ी में अगजनी हुई है, चौकी में अगजनी हुई है। सीएफओ को कहा गया तत्काल प्रभाव से गाड़ी लाए। अगजनी एक पुरानी मारुति अल्टो गाड़ी है जिसमें हुई है, चौकी पे नहीं अगजनी हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। सर, क्या किसी को नुकसान भी हुआ, चोट भी आई किसी पुलिसकर्मी को भी? नहीं, किसी को ऐसी कोई चोटी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो लोग खुराफाती तत्व थे यहाँ पे मौके से कईयों की अरेस्टिंग भी की गई है। उस्मान, अरे यार, कुछ विश्वास है क्या तुम्हारा? सर बना रहे भाई।